हिमाचल प्रदेश मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद आरडी धीमान ने कहा कि यह प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जिम्मेदारी का वे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को और ज्यादा तेजी देने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब होने को लेकर आरडी धीमान ने कहा कि बीते कुछ समय से प्रदेश को मिलने में कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं। मुख्य सचिव होने के नाते वह जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की भी बात कही। देखिए, चैलेंजेस तो हर जॉब के साथ रहते ही है और मैंने लगभग स्टेट में हर विभाग में काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर्तव्य सरकार ने मुझे असाइन किया मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊँगा, श्रद्धा से अपना काम कर पाऊँगा और जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने में मैं उनकी मॉनिटरिंग करूँगा, उनको रिव्यू करूँगा, एवेलुएट करेंगे और मुझे आशा आप सबका भी सहयोग शामिल मिलेगा। सर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, ओवरऑल कुछ मामलों में बदलाव आया है फंडिंग, स्टेट को फाइनेंस अवेलेबल होने में, तो गवर्नमेंट उस बारे में विचार करे कि जो भी जैसे भी प्रैक्टिस रही है उसके अनुसार जो उसको मैनेज करने का प्रबंध करने का हम कोशिश करेंगे। सर, कोविड दोबारा दबिश दे रहा है तो उसको लेकर? कोविड में देखिए, कोविड का जो प्रोटोकॉल है हम सब जानते हैं, आप सब ने उसको फॉलो किया है आज तक। कोविड के बारे में भारत सरकार ही लीड करती है, जो उनके दिशा निर्देश होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, अपने भी बनाते हैं, तो अभी मेरे ख्याल में कोई अलार्मिक स्थिति नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको स्थिति को स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी और जैसे ही सिचुएशन लगेगा कि इसको फर्दर कंट्रोल करने की जरूरत है तो अवश्य